सिटी ब्यूटीफुल में स्मार्ट पार्किंग का मार्ग प्रशस्त करते हुए यूटी चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने गुरुवार को नगर निगम द्वारा संचालित 79 पार्किंग स्थलों पर पार्किंग दरों को मंजूरी दे दी है। अधिसूचना के मुताबिक शहर की 84 पार्किंगों में पिक एंड ड्रॉप के लिए पार्किंग के पहले 20 मिनट मुफ्त होंगे। 84 पार्किंग स्थलों पर 2 और 4 पहिया वाहनों के लिए मौजूदा पार्किंग शुल्क में कोई वृद्धि नहीं की गई है। 4 घंटे के पहले स्लैब के लिए 2 और 4 पहिया वाहनों के लिए 7 रुपये और 14 रुपये हैं। पार्किंग स्थान के अधिकतम उपयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए स्लैब दरें पेश की गई हैं। MC चंडीगढ़ द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है, क्योंकि अधिकांश पार्किंग स्थल कार्य क्षेत्रों में है, इसलिए यहां पर चलाए जा रहे व्यवसाय के हित में भी है, ताकि वाहनों का प्रचलन बना रहे। पार्किंग स्थान की भारी कमी के कारण और शहर में पार्किंग स्थान के सही उपयोग के लिए जहाँ भी उपलब्ध हो बेसमेंट पार्किंग को संबंधित श्रेणी के लिए मल्टी लेवल पार्किंग दरों से 5 रुपये कम चार्ज करके प्रोत्साहित किया गया है। इसके अलावा डिजिटल इंडिया मिशन को आगे बढ़ाते हुए डिजिटल भुगतान के उपयोग को प्रोत्साहित किया गया है और नकद भुगतान को कम किया गया है। सभी स्लैबों में सभी श्रेणियों के वाहनों के लिए नकद भुगतान को 5 रुपये की प्रोत्साहन राशि से हटा दिया गया है। बयान में कहा गया है कि इसमें पारदर्शिता लाने और विक्रेता और पार्किंग कर्मचारियों द्वारा भ्रष्ट आचरण को रोकने के लिए काफ़ी मदद मिलेगी। इसके अलावा जो बेसमेंट पार्किंग के लिए 300 रुपये प्रति माह और सतही पार्किंग के लिए 400 रुपये न्यूनतम दर पर मासिक पास भी पेश किए गए हैं। शहर में स्मार्ट पार्किंग लागू होने के बाद ही स्लैब दरें और अन्य घटक लागू होंगे, तब तक मौजूदा दरें ही लागू रहेंगी। हालांकि शहर में स्मार्ट पार्किंग लागू होने के बाद ही स्लैब दरें और अन्य घटक लागू होंगे, तब तक मौजूद दरें ही लागू रहेंगी। लेकिन जब हमारी टीम ने पार्किंग स्थल पर जाकर पार्किंग कर्मचारियों से इन बदलावों के बारे में जानने की कोशिश की, तो उन्हें शहर की पार्किंग में होने वाले किसी भी बदलाव के संबंधित कोई भी जानकारी नहीं थी। देखिए अर्थ प्रकाश TV की एक रिपोर्ट। अच्छा, पार्किंग के रेट्स बढ़ गए हैं? पार्किंग के रेट भी पेपर में तो आया है, लेकिन अभी तक लागू नहीं हुए जी। आपके पास कोई नोटिफिकेशन नहीं आई अभी तक? हमारे पास कोई नहीं आई जी। ठीक है सर, ये लिस्ट लगी हुई जो हमारे पास, हम इसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। नमस्ते सर, आपका शुभ नाम जी? किरण चौहान। चौहान जी, एक बात बताए मेरे को, अभी जो कल प्राइस बढ़े हैं पेड पार्किंग के, नगर निगम द्वारा बढ़ाए गए हैं, सारे अखबारों में उसकी खबर आ चुकी है, तो इसके बारे में आपको सूचना दी कोई विभाग द्वारा? नहीं सर, अभी तो हमें कोई सूचना मिली नहीं है और हमें पता भी नहीं है। आपका शुभ नाम जी? दिलीप कुमार सर। दिलीप जी, अभी जो नई रेट्स वगैरह चेंज हुए हैं MC ने पार्किंग के, इसकी कोई नोटिफिकेशन आई है आपके पास? हमारे पास कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है। बेटा एक बात बताओ, जो नई नोटिफिकेशन आई है प्राइस की और टाइमिंग की, तो उसके बारे में आपको नोटिस हो गया? सर मैं तो वही है, 7 बजे तक 8 से 7 बजे तक टाइमिंग का ना। नहीं, जो जैसे पहले 20 मिनट फ्री हैं या कुछ है, इस तरह की जो नोटिफिकेशन आई है, रेट भी बढ़े हैं, उसका कोई लेटर वगैरह आया आपके पास? नहीं सर, नहीं सर, कोई लेटर नहीं आया। तो आप कितनी देर से काम कर रहे थे कॉर्पोरेशन? पिछले साल। चलो ठीक है। क्या शुभ नाम है आपका? संजय कुमार जी। संजय जी, पार्किंग के जो रेट्स बढ़े हैं, तो उसमें अभी आपके पास कोई नोटिस आ गया कि नहीं? नहीं, हमारे पास कोई नोटिस नहीं आया। हाँ, लेकिन कल अखबारों में तो सभी में आया हुआ था। अखबारों में आया वैसे कटिंग। हाँ, आपको जानकारी है उसकी अखबारों में आया जी? जानकारी है जी, अभी तक मतलब लागू नहीं हुआ जी। जगपाल जी, अभी जो प्राइस वगैरह बढ़े हैं जो पार्किंग के, तो इसकी आपको कोई सूचना मिली नहीं मिली? अभी तो नहीं, अभी कोई सूचना नहीं है।